गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप? लॉकडाउन के मजे ले रहे हो? बच्चे परेशान कर रहे हैं? फैमिली सब एक साथ है, सब लोग साथ में हैं, तो मजे लेने चाहिए। लेकिन इस लॉकडाउन के समय में भी बहुत सारी समस्याएं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं आ रही है सामने सबके, और इसीलिए हम आप लोगों के सामने अभी लेके आ रहे हैं पेरेंटिंग टिप्स। पेरेंटिंग टिप्स आपको देगी कलेक्टर मैम। इन पेरेंटिंग टिप्स की हेल्प से आप बच्चों को कैसे टैकल कर सकते हो घर में, उसकी थोड़ी बहुत आइडिया तो आपको आ ही जाएगी। और मेरा विश्वास है कि आप यदि ध्यान से इन चीजों को इम्प्लीमेंट करो तो काफी सारी मदद आपको होगी, खास करके उन गृहिणियों को जो घर में हाउसवाइफ है और जिनको सारा समय बच्चों के साथ बिताना पड़ता है। ठीक है, तो अभी पहला सेशन हम शुरू करते हैं। पेरेंटिंग, व्हाट इज पेरेंटिंग? पेरेंटिंग मींस सिर्फ माता पिता होना, इतना ही होता है? नहीं, पेरेंटिंग एक बहुत ही डीप वर्ड है। अगर हम बहुत डेप्थ में जाएंगे तो इसकी अलग अलग परतें निकलती जाएंगी। जैसे एक प्याज, एक अनियन को अगर हम छीलते हैं तो उसके लेयर्स 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 निकलते हैं और अंदर एक छोटा सा बल्ब होता है, राइट, जिसमें पूरी उसका सत्व होता है। वैसे ही पेरेंटिंग एक बहुत ही डीप मीनिंग वर्ड है। माता पिता होना एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला जॉब है जो हमें दिया जाता है। पहली टिप जो पेरेंटिंग की आज मैं लेने जा रही हूँ आपके सामने, दैट इज अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत बच्चों और माता पिता के बीच में। अभी बातचीत कैसी होनी चाहिए? अगर मैं पास में जाऊँ तो जब मेरा बेटा रुद्र छोटा था, जैसे आप लोगों के बच्चे हैं 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, कुछ बड़े भी हैं, इनफैक्ट सभी बच्चे ही होते हैं। बच्चों की उम्र के हिसाब से उनका हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उन्हें उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मुझे याद है जब छोटा था मेरा बेटा रुद्र, तो बहुत बार मैं काम में होती थी और वो पीछे आकर मम्मा 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 मेरे पीछे पीछे भागता रहता था। अभी भी वही करता है, अभी भी जब तक मैं उसकी पूरी बात नहीं सुनती हूँ वो मेरे पीछे 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 चलता रहता है। उसका रीज़न है क्योंकि मैंने हमेशा उसकी बात सुनी। अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो अगर उसने मुझे मम्मा मम्मा 2 बार बोला तो मैं मेरा गैस बंद करती थी, काम छोड़ती थी, पहले उसकी बात सुनती थी। मेरे काम तो होते रहेंगे, वो तो मेरा डेली रूटीन है, वो मेरे डेली जॉब्स हैं, वो मुझे करने हैं। लेकिन उस समय जो उसके मन में चल रहा है, जो उसके मन में भाव आ रहे हैं, जो इमोशंस हैं, जो बातें उसके दिमाग में चल रही हैं, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए शायद दूसरा कोई समय नहीं होगा। तो उसी समय उसको सुनना बहुत ज़रूरी था। तो ये पहला जो टिप मैं आज ले रही हूँ, दैट इज़ अफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसमें यही है कि हमें सुनना है, वी हैव टू लिसन। जब भी बच्चा आपके पास आ रहा है, मीन्स ही इज़ ईगर टू टेल यू समथिंग, उसको आपको बताना है कि उसने क्या नया ढूंढ लिया, उसने आपसे शेयर करना है कि उसके मन में कौन सी नई कुछ इमेजिनेशन आ गई, उसने कौन सी नई चीज़ देख ली अपने आसपास। और वो क्यूरियोसिटी, वो जो एक्साइटमेंट है बच्चे का, वो तभी जीवित रहेगा, वो तभी लाइवली रहेगा जब आप उसी समय उसकी बात को सुनोगे। तो सबसे पहले हमने अपने अंदर लाना है सुनने की शक्ति। हमें लिसन करना है, हमें सुनना है, हमें उसी समय रुक कर अपने कामों को छोड़कर उसकी बात को पूरी तरह अपना समय देना है। सिर्फ प्रिटेंड नहीं करना, सिर्फ दिखाना नहीं कि हम सुन रहे हैं, हाँ 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 हाँ, सिर सिर हिलाते रहेंगे लेकिन आप उसकी बात को सुन नहीं रहे हो। क्योंकि बाद में जब वो आपसे उसके बारे में ओपिनियन पूछेगा आपका, तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या बोलो। और जब आप कुछ ब्लैंक आंसर दोगे तो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि आपने उसकी बात को पूरी तरह नहीं सुना है। और क्या होगा, एक बॉन्ड बिल्ड बनता है बच्चे और आपके बीच में, एक ट्रस्ट जनरेट होता है। जब आप पूरा समय पूरे कान देकर, गिविंग योर होल ईयर्स टू द चाइल्ड, अगर आप उसकी बात को सुनते हो तो आपके और बच्चे के बीच में एक ट्रस्ट बनता है, एक बॉन्ड बनता है कि हाँ मेरी मम्मा मेरी बात सुनती है, नहीं मेरे पापा मेरी बात सुनते हैं। मतलब जब भी कुछ वो सीख कर आएगा, कुछ नया देख कर आएगा, एक्साइटमेंट है, कुछ किया है, वो सबसे पहले आगे किसको बताएगा? आपको, क्योंकि आप उसकी बात
सुनते हो, राइट? उसके बाद आपको उससे कुछ काम करवाना है, आपको उन्हें कुछ बोलना है. कई बार होता है कि बच्चे नहीं सुनते, है ना? बहुत बार होता है कि आप कुछ बोलते हो कि जाओ ये करके आओ, वो करो, लेकिन बच्चे नहीं सुनते हैं, क्योंकि हम उन्हें डिक्टेट कर रहे हैं ना, हम उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं. आपको पसंद है ऑर्डर लेना? नहीं. लेकिन वहीं अगर हम पोलाइटली किसी को बोलें कि आज मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, प्लीज़ ये काम कर दो ना, तो आप देखिए सामने वाला ज़रूर करता है, क्योंकि हम उन्हें रीज़न देते हैं कि हमारा काम हमें उनसे क्यों करवाना है. सिमिलरली बच्चों को भी रीज़न चाहिए. आप उन्हें रीज़न दीजिए, आप उन्हें कारण दीजिए कि आप वो काम उनसे क्यों करवाना चाहते हो. वो ज़रूर करेंगे. आप खुद देखिए, छोटे बच्चों को बहुत शौक होता है भापा के काम करने में, लेकिन हमें उन्हें कैसे बोलना पड़ता है, देखो मेरे ना देखो हाथ दर्द कर रहे हैं, प्लीज़ ये उठा दो, राइट? बच्चे करते हैं. आपने जनरली भी बोला मेरे हाथ गंदे हैं, प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी दो, तो बच्चों को पता है कि आपके हाथ गंदे हैं, तो वो आपको ज़रूर पानी ला कर देते हैं. जब आप रीज़न देंगे तो आप बच्चों से ईजिली काम करवा पाएंगे. अपनी बात को आपने उनको रीज़न के साथ देना है, उनको कारण बताना है कि आप उनसे काम क्यों करवा रहे हो. सिर्फ ऑर्डर मत दीजिए, सिर्फ ये मत बोलो कि डिक्टेट कर दिया ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो. नो, देर शुड बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन अगेन मीन्स आप अपनी बात को दूसरे के सामने रख रहे हो, आप उनसे बातचीत कर रहे हो, आप उनकी ज़रूरतें भी समझिए. अगर आप चाहते हो कि वो आपको समझें, तो आपको भी उनकी ज़रूरत, उनके जो समझ है, उनकी ओपिनियंस हैं, उनके माइंड में चल रही क्यूरियोसिटीज़ हैं, उनको समझने की ज़रूरत होती है. और वो ज़रूरत कब पूरी कर पाएंगे आप? जब अगेन आप उनकी बात को पूरी तरह से ध्यान से सुनेंगे, राइट? उसके अलावा आता है कि आप उनसे बातें कीजिए. कई बार देखा है आजकल कैसा हो गया है कि पेरेंट्स अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं, बच्चे अपने काम में बिज़ी होते हैं, और सबसे बड़ा कल्प्रिट आ गया है बीच में फ़ोन. मदर्स को कुछ चेक करना है, व्हाट्सअप स्टेटस चेक करना है, कोई रेसिपी चेक करनी है, फेसबुक पे चेक करना है, कुछ नए पोस्ट आए हैं, फादर्स को अपना बिजनेस का चेक करना है, अकाउंट्स देखना है, वगैरह वगैरह. बट इन सब में बच्चे कहाँ हैं? और जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उन्हें फ़ोन पे वीडियोस दिखाते हैं, हम फ़ोन पे गेम्स खिलाते हैं. बट यहाँ पर क्या हो रहा है? सिर्फ फ़ोन, आप, फ़ोन, बच्चा, आप दोनों के बीच में क्या आ गया है? अदर चीज़ें आ गई हैं, और आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाते हैं. तो अगेन, ये डिस्टेंस हम कम कैसे कर सकते हैं? जब हम आपस में शेयर करेंगे हमारी बातें. आप उनकी बातें पूछिए, उनकी किस किस बात में इंटरेस्ट है, उन्हें कौन सा कलर पसंद है, उन्हें खाने में क्या अच्छा लगता है, वो बातें कीजिए. बच्चों के इंटरेस्ट रोज़ चेंज होते हैं. एक छोटे बच्चे के इंटरेस्ट हर हफ्ते में, हर महीने में, हर दो महीने में, छः महीने में, साल में बदलते रहते हैं. और वो नॉलेज आपको तभी होगी जब आप उनसे बात करेंगे. आपको कई बार हैरानी होगी कि अरे पहले तो उसको ब्लू कलर पसंद था, ब्लू ही शर्ट्स खरीदता था अपने लिए, या उसको पिंक ही फ्रॉक्स पसंद थे, और अचानक से बच्चा बोलता है नहीं मुझे पिंक नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक फ्रॉक चाहिए, नहीं मुझे ब्लू नहीं पहनना, मुझे ग्रीन पहनना है. ट्विस्ट आते हैं लाइफ्स में, चेंजेस आते हैं लाइफ्स में, इंटरेस्ट बदलते हैं, मूड्स चेंज होते हैं. और ये आपको कैसे मालूम चलेगा? जब आप उनसे बात करेंगे. आप उनसे अपने इंटरेस्ट शेयर कीजिए, अपनी बातें शेयर कीजिए, और उनकी भी बातें सुन लीजिए. आप जब सुनते रहेंगे तो आप अपने बच्चे को अच्छे से पहचान पाएंगे. और कभी भी जब बच्चा बोल रहा है, आपको कुछ बता रहा है, समझिए उसके मन में कोई स्टोरी आई, वो आपको सुनाने आ गया, अरे मम्मा मैंने एक नई स्टोरी सोची है, मेरे माइंड में ये आया, ऐसा होगा वैसा होगा, और आप उसको पूछ रहे अरे रुक अभी मेरे पास टाइम नहीं है, हम बाद में सुनती हूँ. नो, कभी उसे इंटरप्ट मत कीजिए. उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ में और कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती. एक पेरेंट की लाइफ में पहली प्रायोरिटी होती है बच्चे, बच्चों का समय, बच्चों की बातें, बच्चों का मन, बच्चों की कहानियाँ, बच्चों की इंटरेस्ट, उन्हें क्या चाहिए. कई बार बच्चे टैंट्रम्स करते हैं कि नहीं मुझे यही करना है, ज़िद करते हैं कि वही चाहिए. हम क्या करते हैं? हम रिएक्ट करते हैं, हम सुनते नहीं हैं, हम डायरेक्टली अपने रिएक्शन देते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, कई बार एक आधा थप्पड़ या मार भी लगा देते हैं. अच्छी बात है? नहीं. उससे क्या होगा? आपके और बच्चे के बीच का ट्रस्ट बनेगा? नो, आपके और बच्चे के बीच में ट्रस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि अगली बार शायद वो आपसे आकर अपने मन की बात कहे ना, क्योंकि मम्मा तो सुनती नहीं है, पापा तो गुस्सा ही करते हैं, राइट? तो यहाँ पर हमें उन्हें डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, मारना नहीं है, डांटना नहीं है, हमें सिर्फ पेशेंस से अच्छे से उनकी बात को सुनना है. सुनने से उन्हें बोलने की
प्रेरणा मिलती है और जब वो बोलते हैं तो हमें समझ में आता है कि कहाँ वो गलती कर रही हैं, कहाँ उनको हमें हमारी ज़रूरत है, कहाँ हम उनके लिए रह सकते हैं, कहाँ हम उनको मोल्ड कर सकते हैं, कहाँ पर उनको हम अपने कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं, है ना। हमें उन्हें रोकना नहीं है, पहले उनकी पूरी बात सुन लेनी है। उसके बाद जो ट्रस्ट हमारे बीच में बनेगा, हमारे और बच्चे के बीच में, वो अटूट हो जाएगा। इसके लिए कई बार मुझे अभी हंसी आ रही है। एक बार मेरे हस्बैंड का बर्थडे था और मैंने उनके लिए एक गिफ्ट ऑलरेडी ऑर्डर करके रखा था। मैंने मेरे बेटे को बताया कि पापा का बर्थडे आ रहा है डैडी का, और हम मैंने ये गिफ्ट किया है, डैडी को बताना नहीं है, जिस दिन डैडी का बर्थडे उस दिन मॉर्निंग में हमें उसकी डिलीवरी मिल जाएगी। और उसने वो सीक्रेट रखा। जब तक वो गिफ्ट घर पे नहीं आया, ही वॉज सो एक्साइटेड, मम्मा कब आने वाला है, मम्मा कब आने वाला है। बट उसने सिर्फ मुझसे बात की, उसने मेरे डैडी को जाके बताया नहीं कि आपके लिए हमने गिफ्ट लेके रखा है। तो क्या हुआ, एक सीक्रेट मैंने उसको दिया रखने के लिए, ताकि मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ ये दिखा सकूँ। इस तरह आप भी अपने कुछ सीक्रेट्स शेयर कीजिए, छोटे छोटे सीक्रेट्स, जैसे पापा ने मम्मी के लिए कुछ लिया है बताना नहीं है, मम्मी ने कुछ प्लान किया है फैमिली के लिए, बच्चे से शेयर करो, लेकिन बच्चे ने किसको बताना नहीं है। इससे आप उस पर ट्रस्ट करते हो, ये चीज़ समझ में आएगी, और अगली बार वो भी आप पे ट्रस्ट कर सकेगा, राइट। मे बी उसने कुछ प्लान किया हो, से अपनी मम्मी का बर्थडे आ रहा है, मम्मी के लिए कुछ प्लान किया हो, पापा को बताया कि मैंने उसके लिए बर्थडे कार्ड बनाया है, तो पापा ने वो सीक्रेट रखा, तो इससे क्या होगा, आपके बीच का बॉन्ड बढ़ता जाएगा, आपके बीच का ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, और कल अगर वो कुछ गलती भी करेगा तो वो आपके अंदर कन्फाइड कर पाएगा, है ना, क्योंकि आपने उस पर कन्फाइड किया है, आपने उस पर भरोसा किया है, तो वो भी आप पे भरोसा कर सकता है। आज छोटी सी गलती अगर वो बताता है तो अगेन हमें क्या करना है, हमें बहुत ही डिप्लोमेटिकली उसे हैंडल करना है। हमें पता है गलती हुई है, लेकिन उस गलती की उसको सज़ा नहीं देनी है। हमने क्या करना है, हमने उन्हें आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार करना है, और ये हमेशा तभी पॉसिबल होगा जब हम उनसे बातचीत करेंगे, हम उनके लिए टाइम निकालेंगे, दिन में एक घंटा, दो घंटा, आधा घंटा, बट वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए, जब आप सिर्फ आप दोनों हैं, आप दोनों अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो ट्रस्ट आपके बीच में। और इससे क्या होगा, बच्चा हर बार अपनी बात को आपको आके बताएगा, बिना झिझक के, बिना किसी डर के, क्योंकि जहाँ डर होगा वहाँ पर झूठ होगा, और जहाँ झूठ होगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कभी ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा, राइट। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आप लोग घर पे ट्राई करोगे बच्चों के साथ, आज नहीं हर रोज़ ट्राई करोगे कि आप बच्चों से बात सुनिए, जब वो आपके पास आए हैं तो उन्हें समय दीजिए, अपना काम साइड में रख दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी बहुत ज़रूरी बात करते हैं कि बच्चे के पास कुछ है आपको बताने के लिए, और वो आपको आके बार बार रोकता है कि मुझे ये बोलना है, मुझे ये बोलना है, लेकिन हम उसे साइड में करते रहते हैं। दो मिनट हम अपनी बात तो नहीं भूलेंगे, लेकिन शायद बच्चा भूल जाए, शायद बच्चे के माइंड पे ये एक फिट हो जाए कि मेरी मम्मी के पास, मेरे पापा के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तो मैं अगली बार उनके पास जाऊंगा क्या, नहीं जाऊंगा। तो हमें क्या करना है, अपनी बात को वहीं पे छोड़ना है, अपने काम को दो मिनट के लिए रोक देना है, उन्हें समय दीजिए, उसकी बात पूरी सुन लीजिए ध्यान से, उसको सेटिस्फाई कर दीजिए, और फिर हमारा काम जैसे रूटीन में है, जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये टिप अच्छा लगा होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, और आप लोग ज़रूर कोशिश करेंगे अपने बच्चों से कम्युनिकेट करने की, अच्छे से उनके साथ एक ट्रस्ट का बॉन्ड बिल्ड करने की। बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन विद द सेकेंड टिप।